पीएम मोदी ने सहरसा में की जनसभा, मंच से विपक्ष पर जमकर किया प्रहार, कहा जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय से दिक्कत। बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी, उनके करीबी चाहते क्या चाहते आपको पता है? वो चाहते हैं आप भारत माता की जय के नारे न लगाएं। अररिया के सिकटा विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की जनसभा, जनसभा में उमड़ा जन सैलाब। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर फिर बोला हमला, कहा इस बार के विधानसभा के नतीजे के बाद सीएम नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। देखिए अब तो जहां तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब दो चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई संख्या कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। बीएड धारक शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया निर्देश, अब डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए बनेगी एक ही मेरिट लिस्ट, इसके आधार पर होगी अब शिक्षकों की नियुक्ति। जदयू ने एमएलसी दिनेश सिंह को किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों पर 10 दिन में मांगा जवाब। भागलपुर में दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी और एलजेपी कार्यालय के पास जमकर हुआ हंगामा, एसएसपी ने कहा मामले की हो रही जांच। वहां पे अभी पुलिस पदाधिकारी और बल है, वहां पे जैसा आवेदन हुआ जो भी पक्ष वहां पे आवेदन देगा अभी वहां पे स्थिति शांति की है, लेकिन अगर मतलब वहां पे कुछ विवाद हुआ था तो दो पार्टीज के जो लोग हैं वहां पे, और अभी स्थिति शांति की है, जो भी वहां पे आवेदन प्राप्त होगा उसके आधार पे जांच होगी। आज जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही उनके साथ रहने वाले एबीपी के कुछ लड़के और उनके साथ उनके समर्थक वो सब आकर मेरे घर के सामने तमाशा करने लगे, मेरे परिवार को अपशब्द कहने लगे, गालियां देने लगे। भागलपुर में नाथनगर विधानसभा के मध्य विद्यालय कोलाखुर्द में बनाए गए दिव्यांग मतदान केंद्र, वही मतदान केंद्र पर दिव्यांग वोटरों ने भी की बढ़ चढ़ कर मतदान। भागलपुर के परबत्ता में घटी सड़क दुर्घटना, बाइक सवार दंपति को सामने से आ रही कार ने मारी टक्कर, हादसे में पत्नी बुरी तरह हुई घायल, वहीं पति की भी हालत गंभीर, स्थानीय लोगों ने घायल दंपति को अस्पताल में कराया भर्ती। सहरसा में आगामी 7 नवंबर को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर सहरसा हवाई अड्डे पर मतदाता दिवस के मौके पर मानव श्रृंखला बनाकर स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम कौशल कुमार द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया कार्यक्रम।